Yeah, Charan ji, we should certainly ask him to share Yes. because he would respond to many of these questions which have been asked today. His experience as a vice chancellor of Bikaner Technical University is important, and what he has done in a very short period of 2 years is also very significant. So it will be useful to listen to him. जो कुछ भी बात कही जा रही है वो आसानी से समझ में आती जाती है, लगता है कि है जीवन ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में जाते हैं तो लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है। हम खुद भी नहीं कर पा रहे हैं और जो इस कोर्स से नहीं निकले हैं, अगर नहीं भी निकले हैं तो समाज जीवन में तो वो देख ही रहे हैं इसको, तो वो भी ऐसा नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि इसको अक्सर सह कैसे जिया जा सकता है, और अपना एक्सप्लोरेशन करते हुए कि हम सभी परस्परता से रह पाए और सभी हारमोनी से रह पाए। तो मैं देखता हूँ कि जिस तरह का एक्शन और बिहेवियर मैं अपने लिए पसंद नहीं करता, तो मैं दूसरों के लिए ऐसा क्यों करता हूँ? मैं मेरे साथ के ऑफिसर्स में कहीं में बिहेवियर में देखता हूँ, जैसे मैं हमेशा एक छोटा सा उदाहरण देखा अभी मैंने, क्यों कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत एक्सट्रीम होती है तो उसको उदाहरण के रूप में रखने में मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। तो वेरी रिसेंटली मेरे पास एक ड्राइवर है, एक ही ड्राइवर है, तो उसने बोला कि मेरी पत्नी के भाई का बेटा यानी साले के बेटे की शादी है और मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए। मुझे लगा कि 5 दिन एक ड्राइवर जाना मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरह से उसने कहा कि मुझे, क्योंकि मैं वहाँ घर का बड़ा जमाई हूँ, तो सबसे पहले एक दिन पहले जाऊँगा और बाद में भी एक दिन मुझे रहना होगा और 5 दिन लगेंगे, तो मैंने उसको 5 दिन कहा ठीक है आप चाहिए 5 दिन। अब उसके बाद में मुझे लगा कि मैं आप ऑफिस कैसे जाऊंगा, तो मेरा बेटा था घर में, वो यहीं ऑनलाइन क्लासेस करता, तो मैंने कहा बेटा को कहा कि आप मेरे को ले चलो और नहीं तो मैं अपने आप ही गाड़ी चला के जा सकता हूँ। तो मैंने उनके साथ 5 दिन गया यूनिवर्सिटी और मेरा भी काम हो गया और उसका भी काम हो गया। अक्सर हम अपनी प्रायोरिटी को तय करते रहते हैं कि मेरी प्रायोरिटी हो जानी चाहिए, दूसरे की प्रायोरिटी का कोई अर्थ नहीं, यानी उसकी जो पर्सपेक्टिव से हम सोचते नहीं। ये मुझे लगता है कि हमेशा ही ये कॉन्ट्राडिक्शन अपने आप में पैदा करता है। जब ये जिस तरह से मैंने किया तो लोगों के लिए सरप्राइज भी था, लोगों ने मेरे को कहा कि आप उसको 5 के बजाय 2 दिन की छुट्टी देते, शादी में 2 दिन बहुत होते हैं, 3 दिन बहुत होते हैं, ये क्या छुट्टी दे दी आपने, ठीक नहीं किया। और ऐसा मैं देखता हूँ बहुत से जिस तरह से लोग बिहेव करते हैं अपने लोगों के साथ में, अपने नीचे काम करने वालों में, साथ काम करने वाला, साथ क्या कहता हूँ, मैं सोचता हूँ जीवन में जो आपको आपको हेल्प करने वाले हैं, आपको हर 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 जगह आपको आपके काम को आसान करने वाले हैं, यहाँ तक कि घर में काम करने वाले से लेके और सभी लोग, पर उनके साथ उनका जो सोचने का पर्सपेक्टिव है वो दूसरे के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते, अपनी प्रायोरिटी को तय करते, मेरी प्रायोरिटी इनके प्रकार हो जाए ऐसा सोचते रहते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ यहाँ ही हम गड़बड़ करते हैं। अगर हम इस बात को थोड़ा सा समझ लें तो ये जो विरोध का जो भाव आता है बार बार और फिर प्रतिक्रिया का होती है, या हमको लगता है कि दूसरे जो हमारा जीवन जो मुश्किल की हुई है, ये मुझे लगता है कि कम हो सकता है। और कभी कभी मैं इंसान को इससे भी बढ़कर आगे देखता हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो लिविंग है वो, अगर हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक लिवर के बारे में सोचते हैं तो जानवरों जैसा जीवन है, तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हमारा जानवरों जैसा भी नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि जानवर तो जो नेचर ने जैसा बनाया है वो नेचर के साथ वो हार्मोनी से रह रहा है और हार्मोनी से सारी अपनी एक्टिविटी करता है अपने जन्म से लेके और आगे तक। जन्म का भी जो आगे जनरेशन को बढ़ाने का है उनका निश्चित है, उनमें कोई अनिश्चितता नहीं है। मैंने पशुपालन वाले लोगों को बहुत नज़दीक से देखा है कि जिस इलाके से मैं आता हूँ वहाँ सभी लोग पशुपालक हुआ करते थे, हालांकि अब तो लोग समय के साथ इस मॉडर्न एजुकेशन ने उनका जो ही पेरेंटल काम था उसको कम करा दिया, सब लोग मजदूर हो गए और जीवन बहुत ज़्यादा दुभर हो गया, पर मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है। पशुओं का जीवन बिल्कुल प्रकृति के साथ है, जैसी प्रकृति चाहे जनरेशन हो, मैं बहुत आश्चर्य से देखता हूँ कि एक इंसान का जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सहारा दे के दूध पिलाया जाता है, बड़ा किया जाता है, लेकिन जानवर के बच्चे को कोई सहारा नहीं देता, वो अपने आप ही पता कर लेता है कि उसको गाय का बच्चा है तो दूध कैसे मिलेगा, कुत्ता का बच्चा है तो दूध कहाँ से मिलेगा। यहाँ तक कि कुत्ते के बच्चे को 3 दिन तक आंखें भी नहीं खुलती, वो अंधेरे में भी ढूंढ लेता है कि उसको माँ का दूध कहाँ मिलेगा।
वो प्रकृति के साथ चलता है, प्रकृति के नियमों को पालन करता है। वो तब मुझे लगता है कि हमारा जो जीवन, अगर हम कहें कि हम एनिमल कॉन्शियसनेस से जी रहे, एनिमल कॉन्शियसनेस से भी नहीं जी रहे। बहुत लोग कहते हैं कि किसी को डंडे से हांकड़ा तो लोग कहते हैं कि ढोर की तरह हांको, जानवर की तरह हांके। जानवर डंडे से नहीं चलता, मैंने देखा बहुत नजदीक से। जानवर जो ग्वाला होता है वो आवाज लगाता है, उसके पीछे पीछे चलता है, उसको डंडा लेके पीछे नहीं चलता। यहाँ तक कि गाय तो बहुत समझदार होती है, आवाज लगाते एक आवाज में उसके पीछे पीछे आती है। मैंने भेड़ों को चराने वालों को भी देखा है, वो एक आवाज का लगा के आगे चलता, सारी पीछे पीछे चलती है। यानी वो भी डंडे से नहीं हाँक ले देती। हमने उसको उदाहरण दिया कि किसी व्यक्ति को डंडे से हांकड़ा तो कहते हो ढोर की तरह हांको, जानवर की तरह हांके जा रहे हैं। तो प्रकृति में देखें तो वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से रह रहे हैं। हाँ, जितना भी उनका विकास है, जिनका विकास में उनने संग्रहण करना नहीं सीखा है और इससे ज्यादा सोचना नहीं सीखा है, उनने अपने परिवार को पालना सीखा है। वो अपने बच्चे को पालता है, पूरी तरह से पालता है, उसकी रक्षा भी करता है जब तक वो सक्षम नहीं बनता है, और जब सक्षम बनता है तो प्रकृति के हिसाब से वो अपना पालन करता है। हमारे अपने जीवन में भी शायद ऐसा ही था कि जब ब्रह्मचर्य आश्रम संपन्न होता था तब उसको टास्क होते, जो उस ब्रह्मचर्य आश्रम के समय आपकी जो ध्यान देने का जो काम है वो आपके परिवार का काम है, आपके लालन पालन का काम परिवार का है। लेकिन जैसे ही ब्रह्मचर्य आश्रम से दूसरे अगले आश्रम में जाता था तो लगता था कि अब आपको जो कुछ भी सीखा आपको साबित करना, और जैसे ही परिवार का व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में जाता था, यानी आपका बच्चा इतना सक्षम हो गया है कि आपको अब इस पारिवारिक आवश्यकताओं की सोचने की जरूरत नहीं है, आप लार्जर सोसाइटी में सोच सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीजों को देखें तो हमारा जो जो कंडक्ट है वो जानवर और बिहेवियर जो कंडक्ट है वो जानवर की तरह भी नहीं है, वो उससे भी कुछ डिफरेंट है। उसको क्या नाम देना चाहिए मैं नहीं समझता, और मैं ऐसा व्यवहार बहुत देखता हूँ लोगों का, जो लोगों के साथ बिहेवियर है वो बहुत ही, उसको कहीं डेफिनेशन में भी फिट नहीं हो पा रहा। तो मैं इस तरह का सोचता रहता हूँ, कल विस्तार से भी बात कर सकते हैं। धन्यवाद।